अब है बजिस की बारी, तो इसको भी मैं लटका के फिर आपसे मिलता हूँ। कबूतरों की ये देख रहे हो, और कितना नेस्टिंग मटेरियल वहाँ पर बिखरा पड़ा है। जैसे रोज बैठा होता है ये मेल, और फीमेल को भी खोल देते हैं, एक का दाना डाल देते हैं पहले, क्योंकि ये दाना और पानी है ये ना खोलता तो कबूतरों का अलग डाल। तो यार यूनाफॉल का मैंने बहुत देर पहले का खोला हुआ था, तो इसे करूँगा बंद, तो वहाँ पर तो ये बार बंद होता नहीं है, वरना हम इसे वहीं पर बंद कर देते। तो खोलेंगे फिर मुर्गे को, और बाकी रही ओरियो को भी सबने खिला दिया है, यूनाफॉल ने भी दाना खा लिया, पिजन ने ये का दाना रख दिया, अब रह गया बजिस और रह गया मुर्गा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उनको सिरला खिलाया गया क्योंकि इन्हें जब हम खोलते हैं तो ज़्यादा भूख लगी होती है, फिर आस्ते आस्ते सबको खोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने क्यों इंटरव्यू किया है, तो मैं मुर्गे को जाऊँ फिर आपको बताता हूँ। और बजिस भी देख सकते हो यार, वही दाना खा रहे, तो पहले मैं इनको उड़ा दूँ यहाँ से, अब दाना चेंज करते। तो दोस्तों अभी सबका दाना पानी हो गया, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि रिकी कहाँ पर गया हुआ है। तो यार उसका था कॉलेज में टेस्ट, तो हॉस्पिटल में नर्सिंग का वो कोर्स कर रहा है, तो BS नर्सिंग कर रहा है वो। तो आज उसका इंटरव्यू था 18 तारीख को, तो सुबह 8:30 बजे का गया हुआ है। तो आज ये सारी मेरी ज़िम्मेदारी है, मतलब इन सबको मैंने अकेले संभालना है, तो इनके ऊपर भी ज़्यादा धूप हो रही थी यार, धूप मतलब ये खड़ा नहीं हो जाता बहुत, आज धूप आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पर आते थे यहाँ पर सुकून है, बाकी देख सकते हो उनको हमने चादरों से ढका हुआ है, रियो तो पूरी तरह से ढका हुआ है, बाकी बजी से वो कबूतर भी दाना वाना अपना खा कर वापस अपने डब्बे में चले गए हैं, और मुर्गा हमारा वो साए में फिर रहा है। तो उसका 4 ईयर्स का नर्सिंग प्रोग्राम था, दुआ करना है टेस्ट में पास हो जाए। तो सुबह 8:30 का गया हुआ है वो, तो तकरीबन 1-2 बजे तक वो फाइल करा जाएगा, तो देखते हैं आपके टेस्ट में पास हुआ है, टेस्ट भी था और इंटरव्यू भी था, दोनों चीज़ें थी। तो क्योंकि वो एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ पर, तो पहले टेस्ट लेंगे फिर इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा दी हमने पहले। तो बस ये दो चीज़ें थी, आई नहीं की टेंशन थी, तो बस वो पास हो जाए फिर उसके बाद हम यहाँ का भी काम वापस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टेंशन में थे थोड़े, हमने 1 बजे ना आपको पता है तो हमने इनका काम नहीं छेड़ा, कल भी सिर्फ हमने छत कोई फीलिंग की थी। तो दोस्तों कल के परसों जैसे हमारा काम भी वहीं पर रुका था, तो अब वो आ गए हैं लगाने के लिए, तो चल कर देखते हैं। तो इसे कर देता हूँ बंद, सोच रहा हूँ बजिस को यहाँ पर लटका देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पहले से कील लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही लटका देते हैं बजिस को, क्योंकि वहाँ बहुत धूप है। आधा घंटा वहाँ साई में लटका देते, फिर आधा घंटा धूप में लटका देंगे, ताकि जब थोड़ी बहुत ठंड लगी होगी तो वो उतर जाए। तो चलो चलते हैं वहाँ पर, यहाँ भी रख दें तो अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हो हमारे सेटअप के हिसाब से। अभी देख रहे हो आप वो पिंजरा, देख सकते हो कितना छोटा सा लग रहा है, और मैंने कोई वाइड एंगल कोई लेंस ऑन नहीं किया, नॉर्मल कैमरे का ही देख सकते हो, ये देख सकते हो कितने बड़े पिंजरे, अगर ये इसके बीच में रखें तो और छोटा लगेगा। देख सकते हो हमारे सेटअप भी तैयार हो ही रहा है आस्ते आस्ते, तो बजट के हिसाब से हम आस्ते आस्ते तैयार कर रहे हैं। आपको पता है यार कि हमारे 30 सब्सक्राइबर है, ऐसे लोग चीज़ें बनवाते हैं 1000-2000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने के बाद, पर हमने यार 30 सब्सक्राइबर से अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया, तो आस्ता आस्ता बनेगा।
अभी ये मैं चने का आया थोड़े इसके लिए मुर्गे के लिए, तो अब इसको खिलाते हैं। नहीं कितने शौक देखो 3 से 4 सेकंड में सारा खा ली, और इसने देख सकते हो दाने में भी सारी बड़ी गंदम खा ली है। बस ये बाजरा रहेगा तो मैं इसमें गंदम भी और ला के डाल देता हूँ, और पानी पड़ा होगा अंदर। खाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ रिक्की आ गया, तो ये है रिक्की, तो ये लो भाई आगे की वीडियो बनाओ। तो मैं गया था आपको ऋषि ने बताया होगा हॉस्पिटल, तो थोड़ा काम था, टेस्ट था मेरा, तो टेस्ट तो हो गया। अब वापस आ जाते हैं अपने परिंदों के पास और कबूतरों को खोल लेते हैं। यार आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, इसको रख लेते हैं यहाँ पर, इनको दाना डाल दो। ये हो गया, गिना फूल को भी खोल दिया है, तो अब इसे कर देते हैं वापस बंद। तो गिना फूल खा ले तो फिर इसे भी दाना दे देते हैं। तब तक आप यार, टेस्ट तो मेरा हो चुका है जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, तो ये टेस्ट था, फिर उसके बाद था इंटरव्यू। टेस्ट भी काफ़ी मुश्किल था, और यार इंटरव्यू में काफ़ी नर्वस हो गया, बट दोनों काम हो गए डन। तो अब उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा रिजल्ट। अभी तक तो कुछ नहीं पता, तो बस यार ये था आज दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और हमारे चैनल मिनी एफएम को सब्सक्राइब भी लाजमी करना। मिलेंगे इंशाल्लाह कल।